Hey guys, welcome to my channel. In this video, we'll cover semantic networks in artificial intelligence. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सीमेंटिक नेटवर्क्स क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ नोड्स के बारे में पढ़ेंगे एंड विल स्टडी इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एज वेल. एंड बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मेरी नॉलेज इंजीनियरिंग वाली वीडियो थी उसमें हमने पढ़ी थी थ्री बेसिक टेक्निक्स ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन. फर्स्ट वन वॉज नॉलेज एक्विजिशन, सेकेंड वन वॉज नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड थर्ड वन वॉज नॉलेज वैलिडेशन. तो इसमें नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की मेरी एक अलग वीडियो बनी हुई है. उस वीडियो में हमने पढ़े थे देयर आर वेरियस स्टेजेस ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन. फर्स्ट स्टेज जो हमने पढ़ा था वो था लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपनी वेरियस वीडियोस में. एंड सेकंड वन वाज सीमेंटिक नेटवर्क्स. तो ये जो मैं आपको वीडियोस के बारे में बता रही हूँ इन सबका लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सारी रिलेटेड वीडियोस का लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है. एंड सीमेंटिक नेटवर्क्स स्टार्ट करने से पहले आई होप इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि सीमेंटिक नेटवर्क्स किससे रिलेटेड है. सीमेंटिक नेटवर्क्स नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की एक स्टेज है. तो इट इज वन ऑफ द स्टेजेस ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन. एंड व्हाट इज नॉलेज रिप्रेजेंटेशन? इट इज वन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ नॉलेज इंजीनियरिंग. सो आई होप दिस इज क्लियर. सो लेट्स स्टार्ट विद सीमेंटिक नेटवर्क्स नाउ. तो स्टार्ट करते हैं सीमेंटिक नेटवर्क्स से. सीमेंटिक नेटवर्क्स को हम सीमेंटिक नेट्स भी बोलते हैं. और ये होता क्या है? इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसकी? ऑफ नॉलेज की. जो हमने नॉलेज प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था उसकी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है. इसमें एक नोड होगी और एक आर्क होगी. तो जो नोड्स होती हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं? वो रिप्रेजेंट करती हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ रियल वर्ल्ड. आर्क्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं? आर्क्स रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसका क्या मतलब है. जैसे मैंने एक सिंपल सी लाइन लिखी, ट्री इज अ लिविंग थिंग. तो इसमें आप देखोगे कि ट्री इज एन ऑब्जेक्ट एंड लिविंग थिंग इज एन ऑब्जेक्ट, राइट? और इज अ रिलेशनशिप है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में. तो हम इसको सीमेंटिक नेटवर्क्स के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम एक नोड बनाएंगे, नोड बनाएंगे ट्री, क्योंकि ट्री एक ऑब्जेक्ट है, हमने नोड में लिख दिया. लिविंग थिंग वो ऑब्जेक्ट है, उसको भी आप नोड बना के लिखोगे. लिविंग थिंग इट इज एन ऑब्जेक्ट. तो ट्री हो गया ऑब्जेक्ट, लिविंग थिंग हो गया ऑब्जेक्ट. अब बात करनी है रिलेशनशिप की. आर्क से रिप्रेजेंट करना है तो एक आर्क बना दी हमने ऐसे करके और यहाँ पे लिख दिया इज अ. तो ये हमारा एक बन गया सीमेंटिक नेटवर्क ऑफ दिस स्टेट. अब देखो, इसमें मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ रियल वर्ल्ड है. तो ट्री एक ऑब्जेक्ट है रियल वर्ल्ड का एंड लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट है रियल वर्ल्ड की. तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब देखो, सेकंड मोर इम्पोर्टेंट थिंग इन सीमेंटिक नेटवर्क्स इज दैट मोर नॉलेज कैन बी एडेड. मोर नॉलेज कैन बी एडेड. तो नॉलेज एड कैसे होगी? हम वेरियस ऑब्जेक्ट्स को लिंक कर सकते हैं विद डिफरेंट रिलेशनशिप. सपोज इसी में ही हमें और नॉलेज एड करनी है तो हम क्या करेंगे? थ्रू नोड्स एंड आर्क्स के बेसिस पर सीमेंटिक नेट्स बनाएंगे. ये हमारे पास है ट्री इज अ लिविंग थिंग, ठीक है. इसमें हमें सपोज बताना है कि ट्री हैज लीव्स, तो लीव्स भी एक ऑब्जेक्ट हो गया और हैज उसकी रिलेशनशिप हो गई. तो ऐसे हम मोर नॉलेज ऐड कर सकते हैं अपने करंट सीमेंटिक नेट में. इन दोनों एग्जांपल्स को देखकर आपको लग रहा होगा कि हम ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नोड, बट दिस इज नॉट द केस. सिर्फ ऑब्जेक्ट ही नहीं, एंटिटीज, स्टेट्स, इवेंट्स, एट्रीब्यूट्स, ये सब रिप्रेजेंट हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नोड. और रिलेशनशिप किससे होगी? रिलेशनशिप होगी आर्क्स के बेसिस पर. तो नोड से हम क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट्स, एंटिटीज, स्टेट, एट्रीब्यूट्स एंड इवेंट्स. वन मोर थिंग हियर इज कि आपको ये दिख रहा होगा हम आर्क्स के ऊपर कुछ लिख रहे हैं, जैसे आर्क्स की कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे हैज लिख दिया, इज अ लिख दिया. तो इनको क्या बोलते हैं? हम लेबल्स बोलते हैं. लेबल्स ऑन आर्क्स जो है, जो आर्क्स के ऊपर हम लेबल लगाते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? वो रिप्रेजेंट करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट की. कौन से टाइप की रिलेशनशिप है? फॉर एग्जाम्पल, इज अ रिलेशनशिप है या हैज रिलेशनशिप है, जैसे हमने इसमें यूज करा है, एसेट्रा. तो ऐसी और भी टाइप की रिलेशनशिप हो सकती है. सो दिस इज द बेसिक ऑफ सीमेंटिक नेटवर्क्स. एंड आई होप आपको नोट्स के बारे में समझ आ गया होगा कि कैसे यूज करना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है नॉलेज को, कैसे ऐड करना है मोर नॉलेज को. अब हम बात करेंगे इसके नोट्स के बारे में ही फर्दर. तो बात करते हैं नोट्स की क्लासिफिकेशन की. क्लासिफिकेशन ऑफ नोट्स. नोट्स जो है दो टाइप की होती है. फर्स्ट वन इज जेनरिक नोट एंड सेकेंड वन इज इंडिविजुअल नोट. इंडिविजुअल नोड को हम इंस्टेंस नोड भी बोलते हैं. इन दोनों को एक एग्जांपल से समझते हैं.
जो एग्जाम्पल हमने अभी लिया था लिविंग थिंग, एक नोड ले ली हमने और फिर एक और नोड ली थी हमने ट्री, और हमने बोला था कि ट्री इज अ लिविंग थिंग, एरो हमने ऊपर की साइड लगाया बिकॉज ट्री इज अ लिविंग थिंग। एक और हमने ऐड करी एक नोड और उसमें मैं लिख रही हूँ ओक, ओक इज अ ट्री। ट्री क्या हो गया, ट्री मतलब हम सारे जनरल ट्रीज की बात कर रहे हैं, और ओक क्या है, उसका एक स्पेसिफिक इंस्टेंस है, उसका एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हम ट्री का, कि एक स्पेसिफिक ट्री का नेम। तो ट्री क्या है यहाँ पर, इट इज अ जेनरिक नोड, और ओक क्या है यहाँ पर, ओक इज एन इंडिविजुअल नोड या फिर इंस्टेंस नोड भी बोल सकते हैं, और इज अ क्या है, इज अ एक रिलेशनशिप डिफाइन कर रहा है और ये करेक्ट कर रहा है हमारी जेनरिक और इंडिविजुअल नोड्स को। तो अगर हम बात करें जेनरिक नोड की, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसका सीमेंटिक नेटवर्क बना लेते हैं, ट्री और यहाँ पे इज अ लिविंग थिंग, एंड बात करें इंडिविजुअल नोड की तो यहाँ पे ओक इज अ ट्री। आपको क्लियर हो जाएगा इससे, इंडिविजुअल नोड में ओक इज अ ट्री, हमने इतना पोर्शन ले लिया ऐसे बना दिया, और जेनरिक नोड के लिए हमने इतना पार्ट ले लिया, ट्री इज अ लिविंग थिंग। ये तो उस केस में है जो बहुत हमने बेसिक्स एग्जांपल लिया है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया कि जेनरिक नोड और इंडिविजुअल नोड को कैसे बनाएंगे और कौन सी होती है जेनरिक और कौन सी होती है इंडिविजुअल। बट इज अ रिलेशनशिप क्या कर रहा है, इज अ रिलेशनशिप कर रहा है कनेक्ट, लिंक कर रहा है किसको, इंडिविजुअल को विद जेनरिक नोड। तो इजा की अगर हम बात करें तो हमने प्रेडिकेट लॉजिक में भी पढ़ा था, जैसे मैंगो इज अ फूड, तो हम कैसे लिखते थे, फूड मैंगो। इजा लिंक स्ट्रक्चर प्रेडिकेट नॉलेज को भी रिप्रेजेंट करने में यूजफुल है, एज वेल एज सीमेंटिक नेटवर्क्स में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो सीमेंटिक नेटवर्क्स सिमिलर है बाकी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर्स के, जैसे लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने प्रेडिकेट लॉजिक यूज किया था, तो सीमेंटिक नेटवर्क सिमिलर है, बट द ओनली डिफरेंस इज इट इज इन ग्राफिकल फॉर्म। सीमेंटिक नेटवर्क क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो बात करते हैं इज अ लिंक स्ट्रक्चर की, एक एग्जांपल लेके देखते हैं उसका। ऑलराइट, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इज अ लिंक स्ट्रक्चर। इज अ लिंक स्ट्रक्चर में आपको भी बताया कि प्रेडिकेट नॉलेज को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं हम इज अ लिंक स्ट्रक्चर से, एज वेल एज इट इज यूज इन सीमेंटिक ग्राफ्स ऑल्सो। तो सीमेंटिक नेट्स में यूज करने के लिए हमने ये एग्जाम्पल लिया है। इज अ लिंक स्ट्रक्चर से हम क्या करेंगे, प्रेडिकेट नॉलेज में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो इज अ लिंक स्ट्रक्चर है देखो, फॉर एग्जाम्पल लिविंग थिंग, वही वाला मैंने एग्जाम्पल लिया, बस इसमें थोड़ी सी और नॉलेज एड कर दी है ताकि आप अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट से रिलेट कर पाओ, इसलिए मैंने आपका सेम एग्जाम्पल लिया है। तो देखो, ट्री इज अ लिविंग थिंग हमने पढ़ा था, ओक इज अ ट्री, ये मैं इज अ बार बार नहीं लिख रही हूँ, बट यहाँ पे सब जगह इज अ आप इमेजिन कर लो। ओक इज अ ट्री, यूकेलिप्टस इज अ ट्री, तो ये ट्री इज अ लिविंग थिंग, ये हो गया, दिस इज सीमेंटिक नेटवर्क। अब इस केस में देखते हैं, एनिमल इज अ लिविंग थिंग, डॉग कैट हॉर्स इज अ लिविंग थिंग, तो जर्मन शेफर्ड इज अ डॉग एंड हस्की इज अ डॉग, सिमिलरली यू कैन ऐड मोर नॉलेज इफ यू वांट। तो इतना मैंने आपको बना दिया। अब देखो, इस इज अ लिंक स्ट्रक्चर से हम क्या करेंगे, हम प्रेडिकेट नॉलेज को यूज करना सीखेंगे। जैसे कि हम इस केस में ये वाला केस ले लेते हैं, सपोज इतना केस ले लेते हैं, जैसे हमने जेनरिक नोड में लिया था, तो ट्री इज अ लिविंग थिंग वाला केस ले रही हूं मैं, आप सिर्फ इतने एरिया में फोकस करो, ट्री इज अ लिविंग थिंग। तो इसको हमें प्रेडिकेट नॉलेज में लिखना है, हम कैसे लिखते हैं, हम सारे ट्री की बात कर रहे हैं, जनरल ट्री की बात कर रहे हैं, फॉर ऑल ट्री, सारे एक्स की बात कर रहे हैं ना, तो सारे ट्री क्या है, लिविंग थिंग, लिविंग थिंग। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस फॉर्म में, तो ट्री इज अ लिविंग थिंग, तो इज अ लिंक स्ट्रक्चर को हम प्रेडिकेट नॉलेज में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, सो वन मोर एग्जांपल आई एम टेकिंग हियर, लेट्स टेक दिस केस, डॉग इज अ एनिमल, तो हम सारे जनरल डॉग्स की बात कर रहे हैं, डॉग यहाँ पे क्या है, जेनरिक नोड, जैसे यहाँ पे ट्री थी जेनरिक नोड, ऐसे ही हम कोई स्पेसिफिक डॉग की बात नहीं हो रही, डॉग तो डॉग फॉर ऑल एक्स, मतलब सारे डॉग्स की बात हो रही है, डॉग क्या है, एनिमल, तो फॉर ऑल एक्स, डॉग एक्स इम्प्लाइज एनिमल एक्स, मतलब डॉग इज अ एनिमल, तो ये हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली यू कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस, बोथ हॉर्स इज अ एनिमल और एनिमल इज अ लिविंग थिंग, आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट। तो इज अ लिंक स्ट्रक्चर से हम प्रेडिकेट नॉलेज में इजिली कन्वर्ट कर पा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ सीमेंटिक नेट्स वी कैन रिप्रेजेंट इज अ लिंक स्ट्रक्चर, एंड विद द हेल्प ऑफ इज अ लिंक स्ट्रक्चर वी कैन रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ प्रेडिकेट नॉलेज।
Now let's move on to the advantages and disadvantages of semantic structures. So let's talk first about advantages of semantic networks. So advantages, इस example को देखते हुए हम देखते हैं कि क्या क्या advantages हो सकते हैं. So while looking at this structure, the advantage can be that it conveys meaning easily. तो पहली advantage तो होगी that it convey meaning in a transparent and effective manner में convey करता है. Effectively convey कर रहा है मीनिंग को. तो इट कन्वेज मीनिंग इन अ ट्रांसपेरेंट एंड इफेक्टिव मैनर. सेकेंड एडवांटेज देखो, ये एक बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है. इट इज वेरी सिंपल, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड. दिस कैन बी इट्स एडवांटेज. नेक्स्ट इज दैट इट रिप्रेजेंट्स नॉलेज ग्राफिकली. तो नॉलेज को एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने में यूजफुल है. तो नॉलेज को एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है, जिससे क्या होता है, द स्ट्रक्चर बिकम्स सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट एडवांटेज कैन बी that it can be easily translated to prolog without any difficulty. What is prolog? Prolog is a programming language used in logical representation and artificial intelligence. और हमने अभी देखा था कि it is easily translatable जब हमने translate किया था in predicate logic. So it is easily translatable to prolog. अब बात करते हैं इसकी disadvantages की. No standardization. There is no standardization about link names and no standardization about nodes and arc values. Another disadvantage is that हमें कुछ questions के answer करने के लिए पूरा complete network, complete semantic network traverse करना पड़ता है. कुछ question को answer करने के लिए हमें complete network को traverse करना पड़ता है, हर node को visit करना पड़ता है. और worst case में क्या होगा, जहाँ पर बहुत ज्यादा large semantic network है, उस case में हमें सारी नोड को ट्रेवर्स करना पड़ेगा, सारी नोड्स को विजिट करना पड़ेगा, जितनी भी अवेलेबल नोड्स है. तो वर्स्ट केस में हमने हर एक नोड को विजिट कर लिया. बट ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि जो हम आंसर ढूंढ रहे थे, हमें लास्ट में जाके पता चलता है कि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस नेटवर्क. तो ऐसा भी पॉसिबल है. सो आई होप दिस इज क्लियर एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज सिमेंटिक नेटवर्क, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोड्स एंड हाउ टू रिप्रेजेंट अ लिंक स्ट्रक्चर इन प्रेडिकेट लॉजिक. And what are its disadvantages, its advantages, the whole concept of semantic networks. I hope you like this video. Thanks for watching. See you in the next video. Bye for now.